नमस्कार दर्शक बिन, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं नौ ग्रहों के नौ रत्नों में से एक गोमेद रत्न धारण करने की विधि और गोमेद रत्न किस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए धारण किया जाता है और किस ग्रह को शांति करने के लिए यह रत्न धारण किया जाता है और किन अवस्था में विशेषकर गोमेद रत्न धारण जरूर करना चाहिए, इसके प्रसंग में आपके सामने शेयर करने वाला हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप जाकर बेल आइकन के घंटे और सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबाएंगे और सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्र पर शेयर करें और अन्यथा आप जो भी वीडियो मैं आपको डालूंगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सर्वप्रथम आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो गोमेद रत्न धारण करने की जो विधि है मैंने आपको बताया है, आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो अंत तक अगर आप देखेंगे तभी आपको इसको वास्तविकता समझ में आएगा। गोमेद रत्न विशेषकर राहु ग्रह को शांत करने के लिए, अपर राहु ग्रह को पीड़ा ग्रह को पीड़ा दूर करने के लिए धारण किया जाता है। और रत्न भी विशेषकर दो प्रकार के रत्न बाजार में उपलब्ध हैं और रत्न धारण करते समय ग्रहों की निम्रता और ग्रहों का बल और ग्रह किस अवस्था में विद्यमान है और ये रत्न धारण करने से किसी ग्रह को प्रभावित नहीं करता अथवा आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए आपने धारण किया है तो क्या आपको नौकरी व्यवसाय में प्रभावित नहीं करता, ये सभी चीज़ को जानकारी जुटाने के बाद तभी आपको गोमेद रत्न धारण करना है। गोमेद रत्न धारण करने से स्वास्थ्य में आई समस्या, कार्य में आई रुकावटें, मानसिक तनाव और मानसिक विकारें सभी प्रकार की दूर करने की शक्ति गोमेद के अंदर विद्यमान रहता है। राहु ग्रह निम्न होकर विद्यमान होने पे राहु ग्रहों की शांति कराने के पश्चात तब गोमेद धारण कर लेना चाहिए। और गोमेद रत्न धारण करने की विधि, आप गोमेद रत्न लाकर किसी ब्राह्मण से राहु के मंत्र से अभिमंत्रित कराएं, 19,000 मंत्र से अभिमंत्रित कराने के बाद उसको बनवाएं, चांदी में बनवाने के बाद पुनः उसको प्राण प्रतिष्ठा कराएं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद तब उसे आपको मध्यम अंगुली में उसको अगर धारण करेंगे तो तब आपको राहु जन्य पीड़ा से आपको शांति मिलेगी। अगर आप राहु की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आप पहले राहु शांति जरूर कराएंगे, क्योंकि रत्नों में ग्रहों को जिस स्थिति पर ग्रह विद्यमान है वही स्थिति को बढ़ाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, राहु अगर आपका निम्न स्थिति पर विद्यमान है तो राहु केवल निम्न स्थिति को ही वृद्धि करेगा, क्योंकि रत्नों में ग्रहों को जो स्थिति है उस स्थिति को बलवान बनाएगा। तो बलवान का मतलब यह नहीं होता कि आपके लिए लाभ करेगा। जिस स्थिति में अगर राहु आपका निम्न स्थिति में नीच होकर अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको प्राण प्रतिष्ठा करके धारण नहीं करेंगे तो आपको और परेशानियां ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि राहु जिस अवस्था में है उसी अवस्था को वृद्धि करेगा, तो नीच अवस्था में तो नीचता को ही वृद्धि करेगा। इसलिए गोमेद रत्न धारण करते समय विशेषकर उसको पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा करके ही आप धारण करेंगे, क्योंकि एक रत्न भी पत्थर है और जब मूर्ति जो पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है वो भी एक प्रकार से पत्थर है। तो इसमें अंतर क्या है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति को रखा जाता है तो वो भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा करने पर भगवान उसके अंदर विद्यमान होते हैं तो जिससे हमें पूजा पाठ करने से शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ही रत्नों को भी इसी तरीके से पूजा पाठ करने से उसके अंदर शक्ति आ जाता है, शुद्धता आ जाता है, जिससे हमें नकारात्मक पीड़ा से दूर करता है। तो ये विधि से अगर आप धारण करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हाइट और वेट दोनों, वजन और लंबाई शरीर में दोनों चीज़ का कैलकुलेशन और आयु का कैलकुलेशन, शरीर के बनावट और कार्य की अथवा ग्रहों की बनावट सभी चीज़ को दृष्टि करने के बाद ही आपको ये डिसाइड करना है कि कितने रत्न का आपको गोमेद धारण कर लेना है। गोमेद रत्न के साथ में सदैव राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए गोमेद और सुनेला एक हाथ में नहीं धारण करना चाहिए या फिर बीच में किसी प्रकार के दूसरे रत्नों का समावेश इस तरह से आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप
गोमेद और लहसुनी आप एक साथ धारण नहीं करेंगे। गोमेद धारण करने समय गोमेद बुधवार के दिन धारण किया जाता है और गोमेद धारण से पूर्व पूजा करें। पूजा करके गोमेद प्रातः 10 बजे से पूर्व ही गोमेद को धारण कर लेना चाहिए। गोमेद धारण से स्वास्थ्यमय समस्या को भी दूर करता है, मानसिक पीड़ा को भी दूर करता है और कार्य में आई बार बार व्यवधानी से भी दूर करता है। तो इसलिए आप विधिवत तरीके से गोमेद रत्न को धारण करेंगे तो आपको जीवन में गोमेद से सहजता और सटीकता प्राप्त हो जाएगा। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमसे आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे मिल भी सकते हैं। श्री त्रिशक्ति ज्योतिष वास्तु परामर्श एवं रत्न केंद्र छपार मुजफ्फरनगर। और हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 8899007750, ये नंबर से आप शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। और दक्षिणा के तौर पर आप हमें कुछ दक्षिणा भेजना चाहते हैं तो इसी नंबर के माध्यम से आप पेटीएम भी कर सकते हैं और गूगल पे के माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं और फोन पे के माध्यम से भी लगाए। तो जितने भी सोशल पर चले हुए आपका जो ऐप है अभी वो सभी से आप हमें पेमेंट भी सेंड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। समय का विशेषकर ध्यान रखें, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही शाम के समय आप बात करेंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा और अधिक जानकारी मैं आपको और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।